हेलो फ्रेंड्स, मैं वीना दीक्षित स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नया ब्लॉग लेके। तो आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं, जी हम अपने बेटे के स्कूल जा रहे हैं। वहाँ पे उसका पीडीएम है और वाइंड अप है, तो हमने सोचा कि चलते हैं, आप लोगों को भी लेके चलते हैं स्कूल, देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों का उसका स्कूल, दिखाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उसकी पीटीएम भी है, दिखाते हैं उसके मार्क्स कैसे मिले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और तो चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरा छोटा बेटा परेशान करना स्टार्ट कर दिया है इसको, देखिए क्या कर रहा है। ये देखिए शिवांश, ये है मेरे पति देव जो ड्राइव कर रहे हैं। ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ड्राइव करते समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे जाके और मजा आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पहुंचने वाले हैं स्कूल, एकदम पास में ही पहुंच गए हैं। धीरे धीरे से इसकी स्कूल की बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये देखिए स्टार्ट हो गया स्कूल, अब इसकी बिल्डिंग आ गई है। देखिए अब हम एंटर करने जा रहे हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड आगे आगे चल रहे हैं छोटे बाबू को लेके। और ये देखिए जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये मेन गेट है, हम यहाँ से अंदर जाते हैं स्कूल के। ये रहा स्कूल, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। और मेरे बेटे को ये स्कूल बहुत पसंद है, अपना स्कूल, और उसको बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके। देखिए हम अब स्कूल के अंदर एंटर कर रहे हैं, अभी बिल्डिंग के अंदर एंटर किया था, अब स्कूल के अंदर एंटर कर गए हैं। और ये है रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे पूछना पड़ता है, बट क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम सब जानते हैं, तो इसलिए हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत स्कूल का डेकोरेशन हुआ है। और इसकी क्लासेस ऊपर हैं, 1 से 5 तक क्लासेस ऊपर हैं, तो छोटे बच्चों की क्लासेस हैं, तो इसलिए देखिए स्कूल उस ऊपर का बिल्डिंग कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है। अब ये इसका क्लासरूम है, इन लोगों का वाइंड अप क्लासरूम में ही किया जाता है, हर एक एक क्लास में ही अपनी। तो ये है बच्चों का क्लासरूम, और क्योंकि यहाँ पे आज वाइंड अप है तो बच्चों को नीचे बिठाया गया है, क्योंकि पेरेंट्स को भी एडजस्ट करना था इसमें, और इसीलिए, वरना इसमें सीट्स लगी रहती हैं। और ये बच्चे जो आप लोग को दिख रहा होगा कि गा रहे हैं, ये वेलकम सॉन्ग गा रहे थे, हम लोगों का वेलकम कर रहे थे। और बहुत ही खूबसूरती से इन लोगों ने तैयार किया था, टीचर्स ने इतने अच्छे से रेडी करवाया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इनकी क्लास टीचर जिनका नाम है अनल मैम, वो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही खूबसूरत भी हैं, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बच्चों को पढ़ाती हैं और उनको समझाती हैं। अब ये बच्चों ने प्रे स्टार्ट कर दी है, कि हमें वाइंड अप में ये दिखाया जाता है कि बच्चे डेली क्या करते हैं, कैसे अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं, स्कूल का रूटीन कैसे स्टार्ट करते हैं, और क्या क्या चीज़ें उन्हें को स्कूल में सिखाते हैं, कराया जाता है। और क्योंकि हर मंथ इन लोगों का वाइंड अप होता है और पीटीएम भी होती है, तो थीम के अकॉर्डिंग होती है। तो अभी इनका थीम चल रहा है, इनका थीम चल रहा है आवर नेबरहुड, तो उसी के अकॉर्डिंग सारा चीज़ें इन लोगों ने तैयार की हैं। एक एक थीम चलता रहता है, तो हमें बताते रहते हैं कि इस थीम के अकॉर्डिंग हम उनको ये पढ़ा रहे हैं। और बहुत अच्छा मुझे लगा स्कूल का, कि कैसे वो लोग पढ़ाने का तरीका उनका बहुत अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि ये केवल रटाते नहीं हैं और कॉपी में नोट डाउन नहीं कराते हैं, उनको बाई प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और उन्हें एक खेल खेल में उन्हें हर सारी पढ़ाई कराते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अब ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। एक्चुअली इनके स्कूल में क्या होता है कि इन लोगों को सेंटेंस
बनाना होता है, मतलब वन एक वर्ड दे दिया जाता है कुछ भी, और उससे सारे बच्चों को मतलब कम से कम 10 वर्ड्स दिए जाते हैं, और उन्हीं वर्ड्स को लेके सारे बच्चों को एक एक सेंटेंस बनाना होता है, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा तरीके से ये लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। और अब ये देखिए, इन लोगों ने एक थीम तैयार की थी, एक डॉक्टर का मतलब पेशेंट और रिसेप्शन मतलब कि कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है कि इनका ये प्ले करने का मेन मोटो ये है कि हमें बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए, हमें घर के ही बनी चीज़ें खानी चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चों को पेट में दर्द होने लगता है या फिर उन्हें बहुत नुकसान करते हैं, उन्हें हेल्दी फूड लेना चाहिए। तो इसीलिए ये उनका पूरा प्ले कराया गया था, उन्होंने प्ले किया था, प्ले से हमें बताया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा था। अब ये देखिए मेरे बेटे की परफॉर्मेंस थी, और वो बता रहा है कि उसे बता रहा था कि फर्स्ट एड का यूज़ कैसे किया जाता है और फर्स्ट एड हमारे लिए क्या काम आता है। तो भाई ये बता रहा है, इसकी परफॉर्मेंस थी और बहुत अच्छी तरीके से इसने सबको एक्सप्लेन किया था। और बीच में एक पेरेंट्स थे, उन्होंने पूछ लिया कि आप केवल फर्स्ट एड बता रहे हो, समझा रहे हो, इसका क्या यूज़ होता है, इस एड को कैसे यूज़ किया जाता है, वो भी आप हमें समझाइए, क्या आपको पता है उसके बारे में। तो इसने वो भी बताया और बहुत अच्छा लगा जब वो एक्सप्लेन कर रहा था, आगे से बता रहा था, सबको दिखा रहा था। और ये देखिए आगे अभी आपको दिखेगा इसी वीडियो में कि वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इन इन चीज़ों का क्या मतलब होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। और अब ये देखिए, ये ऑड एंड इवन गेम है, ये बच्चों को नंबर्स पे जंप करना है, ऑड नंबर आएगा तो ऑड पे जंप करना होगा, इवन नंबर आएगा तो इवन पे जंप करना होगा। इससे इस गेम से बच्चों को ऑड इवन बताना नहीं पड़ेगा, वो अच्छे से समझ जाएंगे, उनको केवल रटने से समझ में नहीं आता है। और अब आगे आगे ये धीरे धीरे से ख़त्म होने पे आई है वाइंड अप। बच्चे बहुत सारे गेम के थ्रू बहुत सारी इन लोगों ने पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमें दिखाया। और ये देखिए, ये हमारे सारे हेल्पर्स इन्होंने बनाए हैं कि जो हेल्पर्स हैं थिंकिंग कैसे हमारे साथ आते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं। और ये देखिए अब पीडीएम की बारी आ गई, तो देखिए अध्यक्ष मार्क्स भी थी, मार्क्स तो अच्छे हैं, मार्क्स तो अच्छे मिले थे। और पीडीएम ख़त्म करके, वाइंड अप ख़त्म करके हम वहाँ से निकल लिए, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और अथर्व को भी साथ में ले लिया। तो चलते हैं अब हम लोग, ठीक है, अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।